102 प्रशांत की केयर। प्रशांत का फोन काफी समय से बंद आ रहा था। संजय जी ने जोर से फोन को टेबल पर पटका और कहा, ये प्रशांत कहाँ चला गया है? नैना ने राहत की सांस ली। वो प्रशांत के सामने इस तरह नहीं आना चाहती थी। उसे खुद से नफरत हो चुकी थी। उसका सुंदर चेहरा बिगड़ चुका था और वो बहुत बदसूरत हो गई थी। कमरे में पहुंचने के बाद नैना ने अपने बैग से एक बोतल निकाली और खुद से कहा, देखते हैं आकांक्षा तुम कल कैसे बचती हो। अग्निहोत्री मेंशन। कीर्ति अपने कमरे में बैठी थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देख रही थी और याद कर रही थी कि उसे रेड मार्क क्यों मिला था। 2 साल पहले जिस हॉस्पिटल में वो ट्रेनिंग के लिए गई थी, वो वहां की सबसे बेस्ट ट्रेनी थी, जो हर तरह के ऑपरेशन में डॉक्टर की काफी अच्छी मदद करती थी। इसीलिए उसे डिलीवरी के समय स्पेशली कई सारे डॉक्टर अपने साथ रखते थे। कीर्ति वहां बहुत ज्यादा फेमस भी थी। एक दिन हॉस्पिटल में कुछ निजी कारणों से स्ट्राइक हो गई थी, जिस कारण सारे डॉक्टर ने काम करना बंद कर दिया था और वहां के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की वाइफ डिलीवरी के लिए आई हुई थी और कोई भी डॉक्टर उनकी डिलीवरी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो उनके लिए अपनी सारी मांग को पूरा करवाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पर वो पॉलिटिशियन बहुत जिद्दी था और उसने उनकी मांग पूरा करने से साफ इनकार कर दिया था। उसकी बीवी की बुरी कंडीशन को देखते हुए कीर्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी डिलीवरी करने का फैसला किया था, जिससे हॉस्पिटल स्टाफ बुरी तरह नाराज हो गया था। पर कीर्ति ने सबको इग्नोर करते हुए अपना काम जारी रखा। रिम, शुभम और रूहान भी उसकी टीम में थे और उन सब ने मिलकर अच्छे से डिलीवरी करवा दी थी। पर लास्ट मोमेंट पर रिम ने 2 mm की जगह 4 mm का इंजेक्शन उस लेडी को लगा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और क्योंकि ये ऑपरेशन करने का फैसला कीर्ति ने ही किया था, इसीलिए उसकी सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। उसके सारे साथियों ने कीर्ति का साथ छोड़ दिया था, पर शुभम कीर्ति के साथ ही था और वो उसका सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने को भी तैयार था। पर रिम ने उस समय शुभम से कुछ ऐसी बातें कह दी थी, जिसके बाद शुभम कीर्ति से बुरी तरह नाराज हो गया था और वो भी उसके खिलाफ हो चुका था। हॉस्पिटल कम्युनिटी ने कीर्ति को कहीं भी जॉब करने से 5 साल तक बैन कर दिया था और उसकी रिपोर्ट कार्ड पर रेड मार्क लगा दिया था, जिससे ये पता चलता था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जिससे किसी की जान चली गई थी। और ऐसे किसी इंसान को कोई अपने हॉस्पिटल में काम नहीं दे सकता था। कीर्ति 2 साल से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी हॉस्पिटल उसे काम नहीं दे रहा था। उसकी एक्सेलेंट एबिलिटीज और परफॉर्मेंस से वो इल्जाम 1 साल में ही हट गया था, क्योंकि जिन लेडीज की डिलीवरी उसने की थी, वो सब उसके लिए स्टैंड लेने आई थी और फाइनल डिसीजन के बाद कीर्ति की सजा कम कर दी गई थी। कीर्ति ये सब सोच रही थी कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सर उठाकर देखा, सार्थक उसके सामने खड़ा था। सार्थक को देखते ही कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने सार्थक की कमर को जोर से गले लगा लिया। सार्थक ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें कहा था कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। कीर्ति ने ना में सिर हिलाया और कहा, भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो सिर्फ मदद कर रही थी ना। उस पॉलिटिशियन ने भी अपना बच्चा ले लिया था और लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए मुझे गिल्टी प्रूफ करा दिया था और खुद विक्टिम बन गया था, जबकि उसे सिर्फ अपने बेटे से मतलब था, ना कि अपनी पत्नी से। गलत सिर्फ मेरे साथ हुआ था, इसीलिए मैं अपना सपना छोड़ने को तैयार नहीं हुई। भाई मैं बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, क्या ऐसा कभी नहीं हो पाएगा? सार्थक को कीर्ति के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसकी बहन बहुत ज्यादा मेहनती थी, जो अपने सपने को किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी, पर उसका सपना पूरा होना बहुत मुश्किल था। श्लोक का विला। गार्डन में श्लोक एक चेयर पर बैठा था और उसके सामने ग्रे, नीना, आलिया, विद्या और भक्ति खड़े थे। विपिन साइड में बैठा हुआ था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। श्लोक ने सबको अपनी सख्त निगाहों से देखा और कहा, तुम सब करना क्या चाहते हो? क्या तुम मेरी वाइफ को चोट पहुंचाना चाहते हो? ये कहते हुए उसकी नजर आलिया पर थी।
श्लोक ने देखा था कि आलिया किस तरह से आकांक्षा को मार रही थी, जैसे वो किसी भी पल उसकी जान ले सकती हो। विद्या ने कहा, सर ऐसी बात नहीं है, हम मैडम की बहुत इज्जत करते हैं और वो आपकी वाइफ है, हम उन्हें चोट कैसे पहुंचा सकते हैं। श्लोक खड़ा हुआ और उसने अंदर जाते हुए कहा, बेहतर होगा तुम सब इस बात को याद रखो, और खास करके तुम आलिया, अगली बार अगर मैंने तुम्हें आकांक्षा को किसी तरह की चोट पहुंचाते देखा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे मुझ पर कितने एहसान है और तुम हमारी टीम में कितनी इम्पोर्टेंस रखती हो। आलिया गुस्से में उस दिशा में देख रही थी जहां श्लोक गया था। नीना ने आलिया से कहा, सर सही कह रही है, अगर मैम को फाइटिंग नहीं आती तो मैम जरूर तुम्हारे हाथों इंजर्ड हो जाती। मैं मानती हूँ तुम सर को पसंद करती हो, पर तुम्हें समझना होगा कि सर अब मैरिड है। आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया, पर वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानना चाहती थी। उसका मानना था कि वो बेस्ट है और श्लोक भी बेस्ट है, तो बेस्ट को बेस्ट ही मिलना चाहिए। लक्ष्य का घर। रात के 8 बजे जब लक्ष्य घर पहुंचा तो वो बहुत थका हुआ था। आज उसने 2 सर्जरी की थी जिस कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि एक छोटे से इंसान ने उसे कस के गले लगा लिया। जानी पहचानी खुशबू को महसूस करते ही लक्ष्य मुस्कुराने लगा। उसने प्रिया को कमर से पकड़कर ऊपर उठाया और उसे गोल घुमाते हुए कहा, क्या तुमने मुझे मिस किया? प्रिया जिसका सिर चकरा रहा था उसने लक्ष्य के कंधों को पकड़ा और कहा, पहले नीचे तो उतारो। लक्ष्य ने उसके पैरों को जमीन पर रखा। प्रिया ने लक्ष्य को घूरते हुए कहा, क्या मैं बच्ची हूँ जो तुम मुझे हवा में उठाकर घुमा रहे हो? लक्ष्य ने प्रिया के होठों पर बाइट किया और कहा, नहीं तुम्हारी बेड परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम तो बच्ची नहीं हो। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने लक्ष्य को धक्का देते हुए कहा, लकी अगर तुम ऐसी बातें करते रहे तो रूम में आना भूल जाओ, तुम आज सोफे पर सोओगे। लक्ष्य ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, अच्छा सॉरी मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहते हुए वो प्रिया के सिर पर हाथ फेरकर कमरे की तरफ चला गया। प्रिया उसे देख रही थी और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। जो जिंदगी वो अब जी रही थी उसे वो हमेशा चाहिए थी। लक्ष्य का साथ और उनका एक प्यारा सा घर, यही तो चाहिए था उसे। ये सोचते हुए वो आसपास की जगह को देख रही थी। प्रिया मुड़ी और एक गाना गुनगुनाते हुए किचन की तरफ चली गई। लक्ष्य जब फ्रेश होकर नीचे आया तो उसे प्रिया डाइनिंग टेबल के पास मिली। उसने सीट खींचकर बैठते हुए कहा, तुमने फिर से खाना बनाया, कल से तुम मत बनाना, मैं घर आकर खाना बना लूंगा। प्रिया ने उसकी प्लेट में खाना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी ज्यादा काम नहीं है, कॉलेज से आने के बाद मैं फ्री थी। लक्ष्य ने खाना खाते हुए कहा, तुम्हें कुछ करना चाहिए। प्रिया जो खा रही थी उसने अपना सिर उठाया और कहा, मुझे क्या करना चाहिए? लक्ष्य ने चम्मच साइड में रखा और कहा, तुम हमेशा से क्या करना चाहती थी? ये सुनते ही प्रिया उदास हो गई। उसने कहा, वो सपना था और अब मैंने उसे छोड़ दिया है। लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पर मैं चाहता हूं तुम उसे पूरा करो। तुम हमेशा से स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहती थी और अपनी कहानी को फिल्म बनते हुए देखना चाहती थी। मुझे आज भी याद है जो पहली स्क्रिप्ट तुमने मुझे दिखाई थी वो कितनी अच्छी थी, और जब तुम कह रही थी कि तुम्हें क्या करना है उस समय तुम्हारी आंखों में कितनी चमक थी। प्रिया ने झिझकते हुए कहा, पर। लक्ष्य ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, पर वर कुछ नहीं, तुम ये कर रही हो। प्रिया अपनी नम आंखों से लक्ष्य को देख रही थी। सपना जो वो हमेशा से देखती थी कि उसकी कहानी फिल्मी पर्दे पर उतरे, लक्ष्य उसे सच करना चाहता था। खाना हो जाने के बाद प्रिया कमरे की तरफ जा ही रही थी कि अचानक लक्ष्य ने उसे गोद में उठाया और कहा, अब मैं तुम्हारी इतनी हेल्प करने वाला हूँ और तुम अपने सपने को पूरा करने वाली हो, तो उस खुशी में तुम्हें मुझे थैंक यू फील कराने के लिए कुछ करना चाहिए। प्रिया आंखें बड़ी करके लक्ष्य को देख रही थी। उसे लक्ष्य की बातों का मतलब समझ आ रहा था। इससे पहले कि वो उसे मना कर पाती, वो दोनों पहले ही वॉशरूम में पहुंच चुके थे। लक्ष्य ने प्रिया को शावर के नीचे खड़ा किया
और शावर का टैब ऑन करके प्रिया को किस करने लगा। ठंडा पानी दोनों के शरीर को भिगा रहा था और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो रहे थे। जंगल वाला घर। आरुषि की जब आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आरुषि सोचने लगी कि आखिर वो यहां तक कैसे आई। तभी उसे याद आया कि वो अचानक कॉरिडोर में चलते हुए बेहोश हो गई थी और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। वो उठने की कोशिश करने लगी, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे जोर से गले लगाकर रखा है और उसके हिलने पर सामने वाले इंसान की पकड़ और मजबूत हो गई है। आरुषि ने डरते हुए अपने सिर को उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। चांद की रोशनी में उस आदमी का हैंडसम और चार्मिंग चेहरा दिख रहा था। उसका डरावना ऑरा जो दिन भर उसके पास महसूस होता था वो इस समय गायब था और वो एक मासूम बच्चे की तरह दिख रहा था जो अपना फेवरेट खिलौना पकड़कर सो रहा था। आरुषि ने धीरे से कहा, प्रशांत। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे एक हल्का सा हवा का झोंका हो, पर तब भी प्रशांत ने उसकी आवाज सुन ली थी। ये पहली बार था जब आरुषि ने उसका नाम पुकारा था। उसे आरुषि के मुंह से अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। प्रशांत ने अपनी नींद भरी आंखों से आरुषि के सुंदर चेहरे को देखा और उसके बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए कहा, तुम उठ गई, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? आरुषि ने कंफ्यूज होकर प्रशांत की तरफ देखा। आरुषि के छोटे से बिल्ली के बच्चे जैसे चेहरे को देखकर प्रशांत को न जाने क्या हुआ। उसने आरुषि के माथे पर किस करके कहा, तुमने तो डरा दिया था, इस तरह कौन भी होश होता है? अगर तुम्हें चोट लगी थी तो तुम्हें पहले वहां दवाई लगानी चाहिए थी। उसकी बातों को सुनकर आरुषि को याद आया कि कुछ समय पहले उसे अपने पैरों में चलते समय दर्द हो रहा था। वो अपना पैर हिलाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही आरुषि ने अपने पैर को मूव किया, उसका पैर दर्द करने लगा, जिससे उसकी चीख निकल गई। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर प्रशांत ने जल्दी से उसे छोड़ा और कमरे की लाइट ऑन करके उसने ब्लैंकेट को हटा दिया। प्रशांत आरुषि के पैरों के पास बैठा था। उसके गोरे और छोटे छोटे पैर प्रशांत के हाथों में थे। उसने चेक किया, आरुषि के जख्म से हल्के खून के दाग दिख रहे थे जो आरुषि के पैर को हिलाने के कारण बन गए थे। प्रशांत ने घूर कर आरुषि की तरफ देखा और कहा, खबरदार जो पैर हिलाया, देखो फिर खून बहने लगा है। ये कहकर उसने आरुषि की तरफ देखा, जिसका टॉप थोड़ा ऊपर हो गया था, जिससे उसकी पतली कमर साफ दिख रही थी। उसका पजामा भी थोड़ा ऊपर था, जिससे उसके पैर प्रशांत के हाथों में बहुत छोटे दिख रहे थे। प्रशांत आरुषि की पूरी बॉडी को देख रहा था, जिससे आरुषि अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने साइड में पड़े ब्लैंकेट को खींचकर खुद पर डाला और कहा, मैं ठीक हूँ। आरुषि की आवाज से प्रशांत अपने होश में वापस आया। उसने उठकर साइड में रखे मेडिसिन किट को उठाया और आरुषि की पट्टी खोलकर नई पट्टी बांधने लगा। उसने देखा कि घाव पहले जैसा था और बिल्कुल सूखा नहीं था। ये देखकर प्रशांत की आंखें गहरी हो गई थी। उसने कहा, क्या तुम्हारे घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं? आरुषि, जो अपने पैरों को प्रशांत के हाथों में देखकर घबरा रही थी, उसने कहा, हाँ, उन्हें ठीक होने में समय लगता है, ये शुरू से ही ऐसा है। प्रशांत ने कुछ नहीं कहा और पट्टी बदलकर आरुषि को फिर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर वो वहां से उठकर कमरे के बाहर चला गया। आरुषि बंद दरवाजे को देख रही थी। उसे प्रशांत का केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो हमेशा के लिए उसके पास रुक जाना चाहती थी। इस ख्याल के अपने दिमाग से गुजरते ही आरुषि का चेहरा कांप उठा। वो जानती थी कि वो प्रशांत के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती और वो उसके लिए सिर्फ एक खिलौना है जिसे उसने पैसे देकर खरीदा है। पर प्रशांत एक अच्छा इंसान था जिसने कभी उसके साथ गलत नहीं किया था। यही एक कारण था जो आरुषि को उसके पास रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। थोड़ी देर बाद प्रशांत अपने हाथ में एक ट्रे लेकर अंदर आया। उसने ट्रे को साइड में रखा और आरुषि को बेड पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो चुपचाप उसे खाना खिला रहा था और आरुषि एक टक उसके चेहरे को देख रही थी जो प्रशांत महसूस कर सकता था।
पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ पल बाद एक पतला और नाजुक सा हाथ उसके होठों के पास आया। प्रशांत ने सिर उठाकर देखा। आरुषि अपने हाथ में खाना लेकर उसे देख रही थी। आरुषि ने धीमी आवाज में कहा, आपने भी खाना नहीं खाया था? उसे याद था जब वो सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो प्रशांत ने गुस्से में प्लेट तोड़ दी थी और उसके बाद वो कमरे में चला गया था। एपिसोड 103। मुझे आप पर गर्व है। इतने दिनों में आरुषि प्रशांत को इतना तो जान गई थी कि जब भी वो गुस्सा होता था तो वो खाना बिल्कुल नहीं खाता था। प्रशांत ने एक नजर आरुषि के चेहरे को देखा और फिर उसके हाथ में पकड़े खाने को देखने लगा। कुछ पल तक उसे घूरने के बाद उसने उस खाने को खा लिया। खाना ज्यादा नमक मिर्च वाला नहीं था और उसमें बहुत कम स्वाद था, तब भी प्रशांत को वो बहुत टेस्टी लग रहा था। उसका दिल एक गर्माहट को महसूस कर रहा था जो उसे आरुषि के पास होने पर मिल रही थी। खाना हो जाने के बाद प्रशांत ने उसे दवाई दी और उसे ब्लैंकेट से कवर करके कहा, सो जाओ, अगर तुम्हें वॉशरूम जाना हो या किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं पर हूँ, मुझे आवाज दे देना। आरुषि उसे तकिया लेकर सोफे के पास जाते हुए देख रही थी। उसने अपना छोटा सा चेहरा कंबल के बाहर निकाला और कहा, सोफा छोटा है? प्रशांत मुड़ा और अपनी आईब्रोज उठाकर उसे देखने लगा। आरुषि का चेहरा लाल हो गया था। उसने फिर कहा, आप उस पर फिट नहीं आएंगे, आपको परेशानी होगी। वो प्रशांत का घर था और वो कहीं भी सो सकता था, यहाँ तक कि आरुषि भी उसकी प्रॉपर्टी थी और वो इस बात को अच्छे से जानती थी, तो कैसे वो उसे सोफे पर सोने दे सकती थी। प्रशांत कुछ पल तक उसे घूरता रहा और फिर उसके साइड में आकर लेट गया। दोनों के बीच बड़ा सा गैप था जिससे बेड का एक बड़ा हिस्सा खाली दिख रहा था, पर दोनों का ही दिल एक अजीब से एहसास से भरा हुआ था। श्लोक कावला। आकांक्षा जमीन पर बैठी थी और श्लोक बेड पर बैठा था। वो आकांक्षा के बालों में तेल लगा रहा था। आकांक्षा ने कुछ सोचते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपकी टीम में जितने भी मेंबर हैं, क्या वो सब अलग अलग जगह से आए हैं? क्या उनका कोई नहीं है, मतलब उनकी फैमिली नहीं है? श्लोक ने उसकी मसाज करते हुए कहा, ऐसा नहीं है, कुछ है जिनकी फैमिली है और वो उनसे छुपकर काम करते हैं ताकि उन्हें एक्स्ट्रा मनी मिल सके, पर जितने भी लोगों को तुम यहाँ मेरे साथ देख रही हो उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और वो किसी न किसी तरह से पहले अंडरवर्ल्ड या किसी और गैंग से जुड़े थे। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें किडनैप करके रखा गया था, जैसे विपिन। विपिन मुझे एक गैंग के पास मिला था जिसे मैं खत्म करने गया था। वहां विपिन को बंद करके रखा गया था और वहां उसके शारीरिक और मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जाता था। ये सुनते ही आकांक्षा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर श्लोक को देखा और कहा, क्या? वो बहुत ज्यादा हैरान और दुखी दिख रही थी। श्लोक ने उसके सिर को थपथपाया और कहा, मैंने उसे बचा लिया था और अब वो ठीक है। उसे काफी दिन तक मारा भी गया था। पहले वो सब चीजों से डरता था, पर धीरे धीरे उसने सच को एक्सेप्ट किया और मेरी मदद करना शुरू कर दिया। मैं उसे अपनी गैंग में नहीं लेना चाहता था, पर उसकी करेज और एबिलिटीज को देखते हुए मैंने उसे हाँ कर दी और तब से ही वो मेरे साथ काम कर रहा है। आकांक्षा ने अपना सिर श्लोक के पैरों के पास रखा और उसके पैर को गले लगाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था मिस्टर हैंसम के साथ इतना बुरा हुआ था। उसे विपिन के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे कि वो कितना हसमुख और मदद करने वाला इंसान है जो उसकी हर छोटी छोटी शरारतों को झेल लेता था। उसे विद्या और भक्ति के लिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि वो दोनों भी इसी तरह की सिचुएशन से गुजर चुकी थी। आकांक्षा को श्लोक के ऊपर गर्व हो रहा था जो इतने सारे लोगों की मदद कर चुका था। वो उठकर खड़ी हुई और जल्दी से श्लोक के ऊपर कूद गई जिससे वो दोनों बेड पर गिर गए। आकांक्षा श्लोक के ऊपर थी
उसने श्लोक का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और मुस्कुराते हुए उसे किस कर दिया। श्लोक अभी भी हैरान होकर उसे देख रहा था। उसके लंबे बाल उन दोनों के ऊपर बिखरे हुए थे और वो एक चादर की तरह लग रही थी। वो लड़की अपने मीठे होठों से उसके होठों को किस कर रही थी। श्लोक ने अपने दोनों हाथों से आकांक्षा की कमर को पकड़ा और उसे पलट कर अपने नीचे ले लिया। दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ पल बाद श्लोक आकांक्षा से अलग हुआ क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसने आकांक्षा के लाल हो चुके चेहरे की तरफ देखकर कहा, ये किस लिए था? आकांक्षा ने अपना सिर उठाया और गहरी सांस लेकर कहा, मुझे आप पर गर्व है। श्लोक मुस्कुराया और उसने आकांक्षा की नाक खींचते हुए कहा, तो क्या सिर्फ इतना सा रिवॉर्ड मिलेगा? आकांक्षा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आपको और क्या चाहिए? ये सुनते ही श्लोक की आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने आकांक्षा के गले पर बाइट करते हुए कहा, मैं एक्शन करके दिखा सकता हूँ। उसकी बातों का मतलब समझते ही आकांक्षा डर गई। उसने श्लोक को खुद से दूर किया और खड़े होकर कहा, चंपी अभी बाकी है। श्लोक ने लाचारी में अपना सिर हिलाया और वापस उसके बालों में तेल लगाने लगा। श्लोक ने मुंह बनाकर कहा, मेरे हाथ दुख रहे हैं। आकांक्षा ने श्लोक की तरफ देखा जो उसके लंबे बालों में तेल लगा रहा था, जिससे उसे श्लोक के लिए थोड़ा सा बुरा लगा। उसने कहा, क्या मैं बाल कटवा दूं? श्लोक ने आकांक्षा की कमर को पकड़कर उसे खींचा और अपना सिर उसके कंधे पर रखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये पसंद नहीं है? मुझे वो हर एक चीज पसंद है जो तुम्हारे साथ है और जिसे तुम पसंद करती हो। ये कहते हुए उसने आकांक्षा के कंधे पर किस किया और धीरे धीरे उसकी गर्दन से उसके कान की तरफ किस करने लगा। आकांक्षा को गुदगुदी हो रही थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब छोड़िए। श्लोक ने ना में गर्दन हिलाई और उसके कान पर बाइट करते हुए कहा, कभी कहती हो कि दूर मत जाओ, कभी कहती हो छोड़ दो, तुम्हें पहले डिसाइड करना होगा, तुम चाहती क्या हो? ये कहते हुए उसने आकांक्षा के बालों को अच्छे से बांधा और उसे अपने साथ बेड पर खींचकर ब्लैंकेट से कवर करके सो गया। अगली सुबह आकांक्षा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही थी। श्लोक ने उसकी तरफ देखा और कहा, धीरे खाओ। आकांक्षा ने घूर कर श्लोक को देखा और कहा, ये आपके कारण है। श्लोक ने आकांक्षा से नजर चुराते हुए अपना खाना जारी रखा और कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? आकांक्षा ने गुस्से से सैंडविच की बाइट ली और उसे खाते हुए कहा, हाँ वो तो मैं थी जिसे जल्दी उठने की इच्छा नहीं थी और अपने साथ वाले इंसान को जबरदस्ती पकड़कर सोने की इच्छा थी। इतना ही नहीं, उठने के बाद भी मैं ही थी जिसे साथ में शावर लेना था। लोग जो उनके आसपास खाना खा रहे थे उन सबको एक साथ खांसी आ गई। नीना ने धीरे से कहा, क्या मैडम को उनके बेडरूम सीक्रेट अपने तक नहीं रखने चाहिए? वो ये सारी बातें यहाँ क्यों कह रही हैं? विद्या ने अपना सिर हिला दिया। उसे और भक्ति को इन सब की आदत थी और साथ ही विपिन को भी उनकी इन बातों की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए उन लोगों को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर नीना, ग्रे और आलिया बुरी तरह शर्मिंदा हो चुके थे। आलिया अभी भी घूर कर आकांक्षा को देख रही थी। उसे लग रहा था कि आकांक्षा जानबूझकर ये सारी बातें उसे जलाने के लिए कह रही है। आकांक्षा उठकर खड़ी हुई और अपना बैग लेकर उसने कहा, मैं जा रही हूँ, आज मेरा एग्जाम है। ये कहकर वो दौड़ते हुए घर के बाहर निकल गई। विक्की, विद्या और भक्ति उसके पीछे ही जा रहे थे। श्लोक ने खड़े होते हुए कहा, उसे मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, तुम सब जाओ। तीनों ने मुड़कर श्लोक की तरफ देखा जिसका चेहरा थोड़ा सीरियस था और बिना कुछ कहे वो वहां से निकल गए। आकांक्षा कार के पास खड़े होकर बाकी सबका इंतजार कर रही थी। उसने देखा वो सभी लोग
उसे इग्नोर करते हुए दूसरी गाड़ी में बैठकर चले गए। आकांक्षा मुंह खोले वहां से जाती गाड़ी को देख रही थी, तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की बुगाटी आकर खड़ी हुई। कार की विंडो नीचे हुई और श्लोक ने उसे देखते हुए कहा, बैठो। आकांक्षा ने कुछ मिनट तक उसे घूरा और फिर सिर हिलाते हुए कार में बैठ गई। जंगल वाला घर। प्रशांत घूर कर अपने सामने सो रही लड़की को देख रहा था और हर बीतते पल के साथ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और डार्क होते जा रहे थे। प्रशांत ने साइड में रखा फोन उठाया और कहा, उन लोगों को मार दो। जंगल के कोने में कुछ लोग उन गार्ड्स के सामने खड़े थे जिन्होंने प्रशांत को ये खबर नहीं दी थी कि आरुषि जख्मी थी और बेहोश हो गई थी। उन लोगों ने सबसे पहले बेरहमी से उन गार्ड्स के पैरों को काट दिया और फिर वहां से मुड़कर चले गए और उन गार्ड्स को जानवरों के लिए छोड़ दिया। जब वो लोग वहां से थोड़ी दूर पहुंच गए तो उन्हें गार्ड्स के चीखने की आवाज में आने लगी जो उन्होंने प्रशांत को फोन पर सुना दी थी। प्रशांत ने फोन कट किया और वापस आरुषि को देखने लगा। अग्निहोत्री कॉरपोरेशन। श्लोक और सारा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे थे क्योंकि क्लाइंट पहले सारा के साथ मीटिंग कर चुके थे, इसीलिए श्लोक को उसे अपने साथ रखना पड़ा था। मीटिंग बहुत जरूरी थी और प्रोजेक्ट कभी भी उनके हाथ से निकल सकता था। श्लोक को इस समय ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट हासिल करने की जरूरत थी क्योंकि उस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट उसे प्रोजेक्ट 61 को आगे बढ़ाने में काम आने वाला था। सामने बैठे क्लाइंट्स श्लोक की दी हुई प्रेजेंटेशन से काफी ज्यादा खुश थे। प्रोजेक्ट की फाइल्स एक्सचेंज होने ही वाली थी कि तभी श्लोक का फोन रिंग करने लगा। श्लोक जो मीटिंग में कभी अपने फोन को नहीं उठाता था लेकिन तुरंत फोन उठा लिया। श्लोक ने देखा कि वो फोन आकांक्षा का था। उसने अपना हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया और कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ की बातों को सुनकर श्लोक के हाथ कांप उठे। श्लोक अपनी सीट से उठकर बिना किसी की तरफ देखे वहां से दौड़ते हुए चला गया। क्लाइंट और सारा हैरानी से उसे देख रहे थे। सारा ने आगे बढ़कर श्लोक से कहा, सर मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। श्लोक इस समय बहुत गुस्से में था। उसने घूर कर सारा को देखा और कहा, हट जाओ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सारा के अपने आप साइड हो गई। श्लोक के वहां से जाते ही एक क्लाइंट ने उठकर वहां से जाते हुए कहा, मिस सारा हमें उम्मीद थी कि हमारी डील होगी, पर जिस तरह मिस्टर श्लोक का बिहेवियर था और वो मीटिंग को इस तरह बीच में छोड़कर जा चुके हैं, हमें नहीं लगता कि हम साथ में काम कर सकते हैं। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। सारा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बनाई और वो उन लोगों का पीछा करते हुए बाहर चली गई। हॉस्पिटल। श्लोक दौड़ते हुए अंदर जा रहा था कि उसकी नजर एक वार्ड के बाहर खड़े लक्ष्य पर गई जिसका चेहरा थोड़ा परेशानी से भरा हुआ था। उसने लक्ष्य के हाथ को पकड़ा और कहा, उसे क्या हुआ है? उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी और वो बहुत घबराया हुआ था। लक्ष्य ने अपना सिर उठाकर उसे देखा और कहा, वो ठीक है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, अंदर जाकर उससे मिलो। श्लोक तेजी से कमरे में एंटर हुआ और अंदर का माहौल देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। विक्की, जिसका पूरा हाथ पट्टी से बंधा था, वो बेड के साइड में बैठा हुआ था और आकांक्षा उसके सामने खड़ी होकर रो रही थी। आकांक्षा की नजर जैसे ही दरवाजे पर खड़े श्लोक पर गई, वो दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। श्लोक ने उसके सिर को सहलाकर कहा, तुम ठीक हो? आकांक्षा ने अपनी उंगली विक्की की तरफ पॉइंट की और कहा, उसे मेरे कारण चोट लग गई। डॉक्टर साहब, उसका हाथ देखिए, कितना जल गया है। विक्की, जो बिना किसी भाव के आकांक्षा के इमोशनल ड्रामे को देख रहा था, उसने अपना सिर घुमाकर श्लोक की तरफ देखा। श्लोक ने विक्की के पास पहुंचकर उसके हाथ को देखते हुए कहा, तुम्हें चोट कैसे लग गई? उसकी आवाज बहुत सख्त थी, पर विक्की उसमें अपने लिए चिंता महसूस कर सकता था।
उसने कहा जब आकांक्षा कैंपस से बाहर जा रही थी। फ्लैशबैक, कॉलेज पहुंचने के बाद सब अपनी क्लास में चले गए थे, पर आकांक्षा थोड़ा लेट पहुंची थी और वहां उसकी मुलाकात नैना से हो गई थी और उनकी छोटी सी बहस भी हो गई थी। कैंपस के बाहर जब नैना आकांक्षा के ऊपर लिक्विड फेंक रही थी, तब विकी ने आकांक्षा को पीछे खींच लिया था क्योंकि वो उससे कुछ बात करने वहां पर आया हुआ था। पर वहां पहुंचकर उसने किसी लड़की को आकांक्षा पर कुछ फेंकते हुए देखा। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए वो आकांक्षा का हाथ पकड़ने आगे बढ़ गया, जिससे थोड़ा सा लिक्विड उसके हाथ पर गिर गया और उस लिक्विड के उसकी स्किन को छूते ही वो चलने लग गई थी। आकांक्षा विकी को अपने सामने देखकर हैरान थी, पर उसकी गंभीर हालत को समझते हुए वो नैना को धक्का देकर उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले आई थी। प्रेजेंट टाइम, श्लोक जो विक्की की बात खत्म होने तक शांत खड़ा था, उसने जोर से अपना हाथ खिड़की पर मारा और कहा, वो लड़की कहाँ है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों को नुकसान पहुंचाने की? लक्ष्य ने पीछे से आते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। श्लोक ने उसकी तरफ देखा। लक्ष्य ने गहरी सांस लेकर कहा, प्रिंसेस ने उस लड़की को इतना मारा कि उसे साइड के वार्ड में एडमिट करना पड़ा है। ये सुनते ही श्लोक ने मुड़कर आकांक्षा को देखा, जो अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। उसने कहा, अब तुमने क्या किया? आकांक्षा ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, उसने विक्की को चोट पहुंचाई थी तो मैं उसे कैसे छोड़ देती? विक्की को कार में बिठाने के बाद मैंने वापस जाकर उसे बहुत मारा था, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर मुझे उस पर थोड़ी दया आ गई, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। श्लोक ने अपने माथे पर हाथ रखा। वो आकांक्षा के हॉस्पिटल में होने की बात को सुनकर बहुत घबरा गया था और एक बहुत इम्पोर्टेंट डील छोड़कर वहां उसे देखने आया था, पर वो लड़की यहाँ ये सब कर रही थी। ये सोचकर श्लोक को गुस्सा आ रहा था। उसने घूर कर आकांक्षा को देखा और कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे कारण क्या छोड़कर आया हूँ? या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? या तुम्हें हमेशा नई मुसीबत खड़ी करना पसंद है? एपिसोड 104, आकांक्षा का किडनैप। आकांक्षा श्लोक की गुस्से से भरी आवाज को सुनकर डर गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लक्ष्य ने आकांक्षा को संभालते हुए कहा, श्लोक क्या कर रहा है? वो डर रही है। श्लोक को भी अब एहसास हो रहा था कि उसने कुछ ज्यादा कह दिया था। प्रोजेक्ट 61 के कारण वो आजकल बहुत परेशान रहने लगा था, जिस कारण उसका गुस्सा आकांक्षा पर निकल गया था। श्लोक की नजर दोबारा विक्की पर गई, जिसे इंजेक्शन लग रहा था। ये देखकर उसे आकांक्षा की चिंता होने लगी। श्लोक ने सोचा, अगर वो लिक्विड आकांक्षा पर गिरता तो क्या होता? ये सोचकर ही श्लोक की रूह कांप उठी। श्लोक ने लक्ष्य के पीछे छुपी आकांक्षा को देखा और उसका दिल अंदर से टूटने लगा। उसकी छोटी चूहिया उससे डर रही थी। श्लोक ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, आकांक्षा इधर आओ। सॉरी मैंने तुम्हें डांटा, पर गलती तुम्हारी भी थी। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। अगली बार ऐसा मत करना, चलो घर चलें। आकांक्षा ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, मैं नहीं आऊंगी। आप बात को समझे बिना मुझे डांटते रहते हैं। आप और कितनी बार माफी मांगेंगे? करना तो वापस आपको वही है जो आपके मन में आता है। मैं घर नहीं आऊंगी। मैं लक्ष्य भाई के साथ रहूंगी। आप जाइए अपनी आलिया के पास। श्लोक ने परेशान होते हुए कहा, अब इसमें आलिया कहां से आ गई? आकांक्षा ने घूर कर श्लोक को देखा और कहा, भाई देखा कैसे उन नक्चड़ी की तरफदारी कर रहे हैं। भाई मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। मैं चल सकती हूं ना? आखिरी लाइन आकांक्षा ने इतना रोता हुआ चेहरा बनाकर कही थी कि लक्ष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसका दोस्त था और एक तरफ उसकी बहन थी, पर आकांक्षा के आंसू भरी आंखों ने उसे हारने पर मजबूर कर दिया। उसने कस के आकांक्षा का हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है, अगर मेरी बहन मेरे साथ चलना चाहती है तो वो जरूर वहां जाएगी। लक्ष्य ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूर रहा है।
लक्ष्य जानता था कि अगर उसने अपना सर उठाकर श्लोक को देखा तो वो अपने फैसले से मुंह कर जाएगा, इसीलिए उसने अपने चेहरे को आकांक्षा की तरफ ही रखा। आकांक्षा लक्ष्य की बात सुनकर कुछ पल के लिए उदास हो गई, क्योंकि उसने सोचा था कि लक्ष्य उसे अपने घर ले जाने के लिए मना कर देगा और श्लोक उसे मनाएगा। आकांक्षा ने अपनी नजरें तिरछी करके श्लोक की तरफ देखा, जो अपने फोन में कुछ कर रहा था, जैसे उसे आकांक्षा के जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। और ये देखकर आकांक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आकांक्षा ने लक्ष्य को अपने साथ खींचते हुए कहा, ठीक है तो हम जा रहे हैं। ये कहकर वो बार बार मुड़कर श्लोक को देख रही थी, जो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये देखकर आकांक्षा की आंखों से आंसू बह गए और वो तेजी से हॉस्पिटल से भाग गई। उसके जाने के बाद श्लोक ने खाली कॉरिडोर की तरफ देखा और उसका चेहरा उदास हो गया। विक्की, जो कब से अपने भाई को नोटिस कर रहा था, उसने कहा, आपके पास क्या प्लान है? श्लोक ने मुड़कर विक्की को देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता? विक्की ने अपने जख्मी हाथ को संभालते हुए कहा, जाहिर सी बात है, जिस लड़की को आप उदास करना तो दूर की बात, उसकी मुस्कान को कम होता हुआ भी नहीं देख सकते। उसे आप इस तरह तो नहीं रुलाएंगे। मैं मानता हूँ उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, पर आप कब तक उसे प्रोटेक्ट करेंगे? ये जानने के बाद कि आप हमेशा खतरे में रहते हैं और कितने सारे दुश्मन आपकी कमजोरी ढूंढ रहे हैं, आप उसे कब तक बचा सकते हैं? विक्की के शब्दों के खत्म होते ही श्लोक के माथे पर शिकन आ गई। वो भी जानता था कि उसकी आइडेंटिटी आकांक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है, पर वो उसे किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं कर सकता था। श्लोक ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। विक्की ने आह भरते हुए कहा, मुझे भी यही उम्मीद है कि आप जल्दी सब ठीक कर दे, वरना बहुत कुछ बिगड़ सकता है। विक्की को अपना ध्यान रखने का कहकर और कुछ गार्ड्स को वहां छोड़कर श्लोक चला गया। उसे उन क्लाइंट को फिर से मनाना था। श्लोक के वहां से जाते ही एक परछाई दीवार के पीछे से बाहर आई, सारा गुस्से में श्लोक की पीठ को घूर रही थी। वो तब से श्लोक का पीछा कर रही थी जब से वो कंपनी से निकला था। उसने वहां पहुंचकर श्लोक को आकांक्षा की चिंता करते देखा और आकांक्षा को उससे नाराज होते हुए भी देखा। सारा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सारा ने अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा और कहा, बस कुछ देर और, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक श्लोक के साथ रहती हो। क्या तुम तब भी उसके साथ रहोगी जब तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी? ये कहते हुए सारा के होठों पर मुस्कान थी। जंगल वाला घर। आरुषि की जब नींद खुली तब तक शाम हो चुकी थी। उसने अपने आसपास देखा, बिस्तर का एक कोना पूरी तरह से खाली और ठंडा था, जिससे पता चल रहा था कि वहां सो रहा इंसान कब का उठ चुका है। आरुषि का हाथ उस कोने की तरफ चला गया और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, पर वो नहीं जानती थी कि उसकी इस हरकत को कोई बहुत ध्यान से देख रहा है। प्रशांत आज कहीं नहीं गया था, यहां तक कि आज उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अरोड़ा कॉरपोरेशन जाना था, पर वो वहां भी नहीं गया क्योंकि वो आरुषि का ख्याल रखना चाहता था। प्रशांत की उस लड़की को अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये सोचते हुए वो ध्यान से उसे देखने लगा। आरुषि ने प्रशांत के साइड का तकिया अपने हाथों में पकड़ा और उसे ये देखते हुए कहा, बहुत गुस्सा करते हैं आप। क्या आप गुस्सा अपनी नाक पर लेकर चलते हैं? खाना भी नहीं खाया और प्लेट भी तोड़ दी, यहां तक कि मुझे यहां से जाने को भी कह दिया। आप ही वो इंसान थे ना जो मुझे इंग्लैंड से यहां लाए थे और हमेशा कहते थे कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूं, तो कोई अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे कैसे जाने दे सकता है? मैं तो तब तक कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आपके दिए हुए एक एक पैसे को और एहसान को नहीं चुका देती। प्रशांत, जो आरुषि की मीठी आवाज में कहीं खो गया था,
उसकी आखिरी बात सुनकर गुस्सा हो गया। उसने आरुषि के पास पहुंचकर उसके हाथों को बिस्तर में दबाया और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए कहा, तो तुम मेरा एहसान चुकाना चाहती हो? चलो मैं बताता हूं तुम वो कैसे चुका सकती हो। ये कहते हुए उसका एक हाथ आरुषि की कमर पर चल रहा था। आरुषि जो अभी भी हैरान थी, अपने शरीर पर प्रशांत की उंगलियों को महसूस करते ही कांपने लगी। उसने डरते हुए कहा, क्या आप यही थे? प्रशांत ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, अगर मैं यहां नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मेरे सारे पैसे और मेरे सारे एहसानों को लौटाना चाहती हो? जब तुम ऐसा करना ही चाहती हो तो हम इसको पूरा करेंगे। ये कहते हुए प्रशांत ने जोर से आरुषि की गर्दन पर बाइट कर लिया, जिससे आरुषि की चीख निकल गई, जो प्रशांत को उसके काबू से बाहर कर रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे आरुषि की गर्दन से फिसलते हुए चेस्ट की तरफ जा रहे थे, जिससे आरुषि की सांसें तेज हो रही थी। तभी अचानक प्रशांत का पैर आरुषि के जख्मी पैर से टकराया, जिससे आरुषि की दर्द के कारण चीख निकल गई। ये चीख आरुषि की पहले निकली चीख से बहुत अलग थी, जिसे प्रशांत महसूस कर सकता था। उसे अपना सिर उठाकर आरुषि के आंसू भरे चेहरे को देखा, जिससे उसे अपने किए पर गिल्ट फील होने लगा। प्रशांत ने आरुषि की गर्दन पर जहां लाल निशान बन गया था, वहां हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? आरुषि प्रशांत के बदलते हुए बर्ताव को समझ नहीं पा रही थी, फिर भी उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे पैर में दर्द हो रहा है। प्रशांत ने आरुषि के ऊपर से हटकर उसके पैर को देखा, जहां से फिर खून निकलने लगा था। उसने टेबल से मेडिसिन बॉक्स लेकर उसकी पट्टी चेंज की और कहा, आराम करो। ये कहकर प्रशांत वहां से जा ही रहा था कि अचानक से उसने मुड़कर आरुषि के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, तुम मेरा एहसान नहीं चुका सकती, क्योंकि मुझे तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखना है और तुम यहां से भी कहीं नहीं जा सकती। गलती करने पर तुम्हें सजा मिलेगी और गलती ना करने पर भी तुम्हें डांट सुननी पड़ेगी, पर फिर भी तुम्हें यही रहना होगा। ये कहकर उसने आरुषि के माथे पर किस किया और वहां चला गया। आरुषि कंफ्यूज होकर सीलिंग को देख रही थी। उसकी जिंदगी बहुत अजीब होती जा रही थी। लक्ष्य के घर, लक्ष्य और प्रिया परेशान होकर सामने देख रहे थे, जहां आकांक्षा झूले पर बैठकर चॉकलेट केक खा रही थी। उसके फेस पर काफी चॉकलेट लगी थी और उसका चेहरा गुस्से में लाल दिख रहा था। वो इस समय एक छोटी बच्ची की तरह दिख रही थी, जिसे उसका मनपसंद खिलौना ना मिला हो। प्रिया ने लक्ष्य का हाथ खींचते हुए कहा, इसे क्या हुआ है? ये कॉलेज में तो ठीक थी और मुझसे पहले निकल भी गई थी, क्या इसका श्लोक भाई से झगड़ा हुआ है? लक्ष्य ने अपने माथे पर हाथ फेरा और कहा, ये एक और मुसीबत है। हाँ, इसका इसके डॉक्टर साहब से झगड़ा हो गया है और मैं इन दोनों के बीच में फंस गया हूँ। एक तरफ बहन है और दूसरी तरफ दोस्त, समझ नहीं आ रहा था किसका साथ दूं। प्रिया ने कहा, हाँ मुझे दिख रहा है कि तुमने एक छोटी सी बच्ची का साइड लिया है, जो अपनी जिद पूरी करवाना चाहती है। लक्ष्य ने प्रिया को हॉस्पिटल में हुए पूरे हादसे के बारे में बता दिया था। फिर लक्ष्य ने उसे घूरा और कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैंने गलत किया? क्या मैं मेरी प्रिंसेस को अकेला छोड़ देता? प्रिया उसकी आवाज में गुस्से को महसूस कर सकती थी, इसीलिए वो चुप हो गई। लक्ष्य ने आकांक्षा के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, इतना गुस्सा नहीं करते प्रिंसेस, उसे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसीलिए उसने डांटा था और तुम इतनी सी बात पर नाराज हो गई। आकांक्षा ने अपना सिर उठाकर लक्ष्य को देखा और कहा, भाई आप भी उनकी साइड ले रही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा नहीं, मेरे नाराज होने पर भी उन्होंने मुझे नहीं मनाया। यहां तक कि जब मैं वहां से आ गई
तब से उनका एक बार फोन भी नहीं आया है। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उनसे कोई बात नहीं करने वाली, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। लक्ष्य ने आकांक्षा के चेहरे पर लगी चॉकलेट को साफ करते हुए कहा, ऐसे कैसे मेरी बहन कहीं जाएगी? उसे जब तक यहाँ रुकना है वो रुक सकती है। बस ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम दोनों का रिश्ता बिगड़े, क्योंकि तुम्हारे बीच की बॉन्डिंग सबसे अलग और अच्छी है, जैसे मैंने कभी किसी में नहीं देखी। अपना ख्याल रखना, मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। रिया यही है? आकांक्षा ने हाँ में सिर हिलाया। लक्ष्य मुड़ा और प्रिया को बाय कहकर वहां से चला गया। रात को 9 बजे आकांक्षा अपने कमरे में बड़े से टेडी बियर को गले लगाकर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी और वो बार बार अपने फोन को देख रही थी। प्रिया कब से उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर आकांक्षा ने उसे अपने कमरे से भेज दिया था। आकांक्षा ने जोर से टेडी बियर को पकड़ा और कहा, गंदे डॉक्टर साहब, क्या आपके पास फोन नहीं है? अगर आप एक बार फोन करके बात ही कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? देखा, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। आप जानते हैं मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, फिर भी आपने मुझे जाने दिया। ऐसी क्या गलती हो गई थी कि आप मुझसे इतना नाराज हो गए हैं? ये कहते हुए वो श्लोक का नंबर डायल करने लगी, पर कॉल लगाने से पहले ही उसने अपने हाथों को रोक लिया और फोन साइड में रखकर कहा, मैं क्यों फोन लगाऊं और हर बार मैं ही कदम क्यों आगे बढ़ाऊं? क्यों वो फोन नहीं कर सकते? मैं भी फोन नहीं करूंगी। ये कहकर उसने फोन साइड में रखा और ब्लैंकेट को सिर तक ओढ़कर लेट गई। कमरे की लाइट ऑफ होने के बाद धीरे से कमरे का दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आए। कदमों की आवाज बहुत धीमी थी और आकांक्षा का मूड अच्छा भी नहीं था, इसीलिए वो ये नहीं जान पाई कि कोई अंदर आ चुका है। 4 लोगों ने आकांक्षा को उसी तरह ब्लैंकेट में उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। अपने साथ हुई इस हरकत से आकांक्षा हैरान हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे ले जाकर गाड़ी की बैक सीट पर फेंक दिया। आकांक्षा को कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि एक इंसान उसे पकड़कर बैठा हुआ था और उसने आकांक्षा के चेहरे से कंबल हटने नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी और आकांक्षा को एक कमरे में ले जाया गया। इस बार उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। आकांक्षा ने अपने हाथ पैर इधर उधर मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे जाने दो। उसके इस तरह हाथ पैर हिलाने से और अपनी फाइटिंग स्किल का यूज करने से कुछ लोगों को चोट भी लग गई और वो बहुत परेशान भी हो गए थे। आखिर में किसी के इंस्ट्रक्शन से उन्होंने आकांक्षा के हाथों और पैरों को बांध दिया और उसके कपड़े बदलकर उसे अच्छे से ड्रेसअप कर दिया। आकांक्षा महसूस कर सकती थी कि कोई उसके बाल बना रहा है और कोई उसके चेहरे पर मेकअप लगा रहा है, और अब उसे डर लग रहा था। उसने रोते हुए कहा, देखो देखो मुझे जाने दो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसे श्लोक को छोड़कर लक्ष्य के साथ आने के अपने फैसले पर रिग्रेट भी हो रहा था। एपिसोड 105, प्रशांत का गिल्ट। आकांक्षा को लग रहा था कि अगर वो लक्ष्य के घर नहीं रुकती तो उसका किडनैप नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य के घर किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं थी और श्लोक का घर हाई सिक्योरिटी में रहता था। आकांक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर उसने शांति से काम लेने का फैसला किया। तभी 2 लड़कियां अंदर आई और उनमें से एक लड़की ने आकांक्षा से कहा, मैम प्लीज कोऑपरेट कीजिए, हमारे सर चाहते हैं कि आप उनसे थोड़ी देर बात करें। अगर आपको लगे कि यहाँ कुछ गलत है तो आप तुरंत यहाँ से चली जाना, और अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो वो हमें मार डालेंगे। प्लीज मैम, हमारी जान आपके हाथ में है।
उन लोगों की आवाज में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी कि आकांक्षा को उनके लिए बुरा लगने लगा था। उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी और को चोट पहुंचे। लड़कियों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। उन्होंने आकांक्षा के हाथ और पैर को खोला और उसे अपने साथ लिफ्ट में ले गई। आकांक्षा घबराते हुए अपना सिर इधर उधर घुमा रही थी। लिफ्ट के खुलने पर उसे बाहर ले जाया गया और एक खुली जगह में खड़ा कर दिया गया। उसे छोड़कर वो लड़कियां वहां से चली गई। जब आकांक्षा को महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई नहीं है, तो उसने डरते हुए कहा, तुम दोनों कहाँ गई? ये कौन सी जगह है? मुझे आंखों की पट्टी हटाना है, क्या मैं हटा लूं? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए उसने अपनी आंखों पर लगी पट्टी को खोलने का फैसला किया। जैसे ही आकांक्षा ने अपने हाथों को उस पट्टी पर रखा, तभी उसके कोमल और नाजुक हाथों को किसी के मजबूत हाथों ने पकड़ लिया, जिससे आकांक्षा ऊपर से नीचे तक कांपने लगी। उसे मेल परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जिससे ये पता चल रहा था कि उसके पीछे खड़ा इंसान एक आदमी है। पर वो परफ्यूम बहुत अलग था, जिसे उसने कभी स्मेल नहीं किया था। उस आदमी ने आकांक्षा के हाथों को नीचे किया और उसके सामने खड़े होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आकांक्षा ने वाइट कलर की शॉर्ट फ्रॉक पहनी थी, जिसको स्ट्रिप्स के जरिए जोड़ा गया था, जिस कारण उसके गोरे कंधे और कॉलर बोन साफ दिख रहे थे। उसका चेहरा बहुत सुंदर दिख रहा था और मेकअप से उस पर और निखार आ गया था। आकांक्षा के लंबे बालों को एक बहुत सुंदर जूड़े में बांधा गया था, जिसमें डायमंड का टियारा लगा था। जब वो आदमी आकांक्षा को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, तो उसकी नजरें आकांक्षा के लंबे और गोरे पैरों पर थम गई थी, जो इतने सुंदर थे कि किसी भी इंसान का उन्हें छूने का मन करे। उस आदमी ने अपना हाथ झुका कर आकांक्षा के पैरों पर फेरा, जिससे आकांक्षा दो कदम पीछे हट गई और उसने बिना देखे एक पंच उस आदमी के सीने पर मार दिया, जिससे वो आदमी दो कदम पीछे हट गया और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। हॉस्पिटल। नैना अपने पैर पर हाथ रखकर रो रही थी। उसका मोटा चेहरा आंसू से भरा हुआ था और हॉस्पिटल गाउन में वो बहुत बुरी दिख रही थी। राधा और संजय जी उसके सामने बैठे थे। संजय जी ने गुस्से में कहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर उसे चोट लग जाती तो हम क्या करते? तुम्हें उस पर इस तरह का केमिकल फेंकने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे कारण हम एक ऐसे इंसान से पंगा नहीं ले सकते जो बहुत पावरफुल हो। जानती हो जिस लड़की ने आकांक्षा को बचाया है वो कौन है? उसका नाम विक्रम है, जो एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। पर पुलिस और मिलिट्री में ऐसा कोई नहीं है जो उससे कॉन्टैक्ट ना रखता हो। तुम बताओ, अगर उसने तुम पर केस कर दिया और तुम्हें जेल हो गई तो हम क्या करेंगे? ये सुनते ही नैना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे विक्की के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। वो तो बस ये जानती थी कि विक्की कोई पावरफुल इंसान है, जिससे कॉलेज में सब डरते हैं। नैना ने संजय जी का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, मुझे बचा लीजिए। मैं उस मनहूस से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। मेरी बॉडी ऐसी हो गई है कि कोई मुझे देखना भी नहीं चाहता, और वो इतनी सुंदर लगती है और साथ ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रही है। आप ही बताइए, मैं कैसे ये देख सकती हूँ? आपने अभी तक ये भी नहीं पता किया कि आखिर वो इंसान कौन है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। संजय जी ने अपने माथे पर हाथ फेरा और कहा, मैं ये नहीं पता कर पा रहा हूँ कि वो कौन है, और ना ही हम ये जान पाए हैं कि वो किन लोगों के साथ रहती है। तुम क्या चाहती हो? मैं सीधे उससे पूछ लूं ताकि उसे मुझ पर शक हो जाए? बेहतर होगा कि तुम अपनी हरकत सुधार लो, वरना जो कुछ हमारे पास है उसे जाते देर नहीं लगेगी। सीबीआई वाले अभी भी केस की जांच कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि आकांक्षा राठी जिंदा है। अगर आकांक्षा ने आगे बढ़कर बता दिया कि वही आकांक्षा राठी है और वो जिंदा है, तो हमारे पास जो कुछ है
वो वापस उसका हो जाएगा। राधा ने परेशान होकर कहा, इसमें नैना की क्या गलती है? आपने देखा नहीं उस लड़की ने हमारी नैना के साथ क्या किया है? संजय जी ने घूर कर राधा को देखा और कहा, तुम्हारा मतलब है उस बेवकूफ और कम दिमाग वाली लड़की ने इसका पैर तोड़ दिया? क्या तुम्हें इसकी बॉडी देखकर लगता है कि वो इतनी पतली दुबली और कमजोर होने के बावजूद भी इसके शरीर को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है? राधा और नैना को ये बात सुनकर बुरा लगा, क्योंकि संजय जी ने सीधे नैना की मोटी बॉडी पर कमेंट कर दिया था। संजय जी ने गंभीर होकर कहा, हमें प्रशांत को जल्द से जल्द यहाँ बुलाना होगा। जब से वो प्रशांत शहर से बाहर गया है, उस लड़के का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारा बिजनेस अब लॉस में जा रहा है, क्योंकि उसे ऑपरेट करने के लिए प्रशांत नहीं है। उन्होंने इतना कहा ही था कि उनका फोन बजा। कॉलर आईडी देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने खिड़की पर जाकर कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक सख्त और धीमी आवाज सुनाई दी। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है जो आप मुझे ढूंढ रही हैं? संजय जी ने उस खतरनाक आवाज को सुनकर अपने माथे का पसीना पोंछा और कहा, हाँ, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और तुम काफी समय से वापस आए भी नहीं हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। वैसे तुम इतने समय से कहाँ हो? प्रशांत ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैंने मेरे सेक्रेटरी को सब समझा दिया है, वो आपकी मदद कर देगा। और मैं अपने दो खास आदमी भी भेज रहा हूँ जो आपकी कंपनी के काम में मदद करेंगे, क्योंकि मैं इस हफ्ते नहीं आ पाऊंगा, पर कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते आ जाऊं। तब तक आप अपनी कंपनी संभाल लीजिए। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया, जिससे संजय जी को कुछ और कहने का मौका ही नहीं मिला। कॉल कट करने के बाद प्रशांत ने काले हो चुके आसमान को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर ठंडी हवा के उसके पास से गुजरने पर उसके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा था। प्रशांत मुड़ा और घर के अंदर चला गया। उसके कदम अपने कमरे में जाने की जगह आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसके कदम अपने आप एक ही जगह रुक गए। वो सामने खड़ी लड़की को देख रहा था, जिसने लोअर के साथ स्पोर्ट्स ब्रा पहनी थी। आरुषि का फिगर उसमें बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था, और उसकी गोरी स्किन पर वो ब्लैक कलर की इनरवेयर बहुत सुंदर दिख रही थी। आरुषि अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी, पर गहरे जख्म होने के कारण वो लड़खड़ा गई और गिरने लगी। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली, पर जब आरुषि को महसूस हुआ कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो उसने आंखें खोली। उसके सामने प्रशांत था, जो ध्यान से उसे देख रहा था। प्रशांत के ठंडी हाथों की छुअन अपनी कमर पर महसूस करते ही आरुषि कांपने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त किस हालत में है, और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आरुषि ने जल्दी से खुद को ठीक किया, पर जैसे ही वो फिर खड़ी हुई, पैर में दर्द के कारण वो फिर गिरने लगी। प्रशांत ने आंखें छोटी करके आरुषि को देखा और उसे गोद में उठा लिया। प्रशांत की इस हरकत से आरुषि हैरान हो गई, और उसने कसके प्रशांत को पकड़ लिया कि कहीं वो उसे गिरा ना दे। प्रशांत ने सामने देखते हुए कहा, तुम्हें क्या करना है? आरुषि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहाना है, आप मुझे वॉशरूम तक छोड़ दीजिए। उसे ये कहते हुए बहुत अजीब लग रहा था। प्रशांत ने कुछ नहीं कहा और आरुषि को वॉशरूम में ले जाकर बात टब के साइड में बैठा दिया। फिर वो वहीं पर कुछ सामान ढूंढने लगा। आरुषि को लगा था कि प्रशांत वहां से चला जाएगा, पर जब प्रशांत वहां से नहीं गया तो आरुषि घबरा गई। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, आप थोड़ी देर बाहर चले जाइए। प्रशांत उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ में टॉवल, शैम्पू और सोप लेकर आया।
प्रशांत ने कहा। कपड़े हटाओ। ये सुनते ही आरुषि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं खुद कर लूंगी। जब प्रशांत ने देखा कि वो लड़की उसकी बात नहीं मान रही है तो उसने खुद ही आरुषि के कपड़ों को हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि आरुषि पहले से ही सिर्फ लोअर में थी। इसीलिए प्रशांत को उसके कपड़े हटाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अब उसके सामने आरुषि की गोरी और गुलाबी स्किन थी, जिसे देखकर प्रशांत के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने खुद को काबू करते हुए हैंड शावर से आरुषि को नहलाना शुरू कर दिया, ये ध्यान रखते हुए कि उसे आरुषि का जख्मी पैर गीला नहीं होने देना है। वो बहुत ध्यान से उसे नहला रहा था। प्रशांत के ठंडे हाथ गर्म पानी में भी आरुषि को गूसबम्स दे रहे थे। आरुषि ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। उसके पेट में एक गुदगुदी का एहसास हो रहा था। प्रशांत ने अपने सिर को उठाकर आरुषि के चेहरे को देखा, जो बहुत ज्यादा लाल हो गया था, और ये देखकर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। आरुषि को नहलाने और चेंज कराने के बाद प्रशांत ने वापस उसे गोद में उठाया और कमरे में आ गया। आरुषि ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बैठी आईने में प्रशांत को देख रही थी, जो उसके बालों को सुखा रहा था। आरुषि के दिल में एक मीठा सा एहसास जाग रहा था, जो उसे ये बता रहा था कि वो प्रशांत को पसंद करने लगी है। प्रशांत की छोटी छोटी हरकतें, जैसे उसका गुस्सा, उसकी केयर, आरुषि को अच्छी लगने लगी थी। बालों को सुखाने के बाद प्रशांत ने उसे बेड पर बिठाया और कहा, खाना खाकर दवाई खा लो और फिर सो जाना। ये कहकर वो बाहर चला गया। आरुषि प्रशांत के जाने तक उसे देखती रही। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, मुझे क्या हो रहा है? मैंने उन्हें अपने इतना करीब क्यों आने दिया? क्या ये सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी मदद की है, या फिर इसका कोई और मतलब है? अपने अंदर चल रही इस कश्मकश से आरुषि बेचैन हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और कुछ ना सोचने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद प्रशांत अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आया। पिछली बार की तरह उसने आरुषि को अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे दवाई देकर सुला दिया। फिर वो घर के बाहर चला गया। घर के बाहर निकलने के बाद प्रशांत पैदल ही आगे चल रहा था। पूरे जंगल में उसके गार्ड फैले हुए थे, जो वहां की रखवाली करते थे। प्रशांत एक घर के सामने जाकर रुक गया, जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, पर आज उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी वो अंदर चला गया। कमरा, जो अलग अलग तरह की पेंटिंग और फोटो से भरा था, प्रशांत उसे देख रहा था, जिसमें से उसे कोई भी पेंटिंग साफ नहीं दिख रही थी, क्योंकि प्रशांत ने लाइट्स ऑन नहीं की थी। प्रशांत ने एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने रुककर स्विच ऑन किया, जिससे सिर्फ उसी पेंटिंग पर रोशनी पड़ने लगी। पेंटिंग में लड़की मुस्कुराती हुई सामने देख रही थी। प्रशांत ने उस पेंटिंग पर हाथ फेरा और कहा, तुम कहाँ हो आकांक्षा? तुम्हें पता है मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। मैं किसी की तरफ खींचा जा रहा हूँ, जैसा कभी तुम्हारे साथ भी नहीं लगा, ऐसा उसके साथ लग रहा है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, इतना कि उसकी कोई माफी हो ही नहीं सकती। पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे उन सारी गलतियों का एहसास हुआ, पर अफसोस की बात है कि मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। माफी मांगना तो दूर की बात, अगर तुम सच में मेरे सामने आ गई तो मैं तुमसे नसरे भी नहीं मिला पाऊंगा। क्या तुम मुझे कभी माफ करोगी? अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो कुछ तुमने सहा है वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, फिर भी मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए आंसू का एक कतरा प्रशांत की आंखों से बह गया और वो उसी पेंटिंग के नीचे बैठकर अपने और आकांक्षा के बीते पलों के बारे में सोचने लगा। टेरेस, आकांक्षा ने उस आदमी को जोर से पंच मारा और पीछे खड़े होकर अपने आंखों की पट्टी को हटा दिया। उसे अभी भी थोड़ा धुंधला दिख रहा था।
जल्दी जल्दी आंखें झपकते हुए आकांक्षा ने सामने देखा, जहां एक आदमी थ्री पीस टक्सीडो सूट में खड़ा था। उसका हैंडसम फेस वहां लगी लाइट्स में चमक रहा था और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। उस चेहरे को पहचानते ही आकांक्षा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई।